हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और उतना ही मस्त होगा आप लोगों का विंटर गार्डन। तो आज एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर मैं आई हूँ, जिसमें मैं आपको आज ऐसे कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपने विंटर फ्लावर्स को बहुत अच्छे से ब्लूम करवा सकते हैं और मैक्सिमम उनके लाइफ ले सकते हैं। तो कुछ आज ऐसे टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जिससे आपके फ्लावर्स में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आए और ये लंबे से लंबे टाइम तक आप लोगों के साथ शेयर करें, और ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें हम करेंगे तो हमारे विंटर फ्लावर्स बहुत अच्छे से ब्लूम करेंगे। लेकिन उन पॉइंट्स को जानने के लिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट है सनलाइट। जी हाँ, अगर हम इन जर्नल बात करें तो मैक्सिमम जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको सनलाइट बहुत पसंद होती है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप मैक्सिमम अपने जो सन लविंग प्लांट हैं या जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट हैं उन्हें कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप प्रोवाइड करवा सकें। कुछ ऐसे प्लांट हैं जो इतनी धूप नहीं बहुत मतलब उनको इतनी ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होती है, उसमें से जैसे कुछ है पैंसी, पॉइंसेटिया, कलांचू, बिगोनिया, कोलियस, प्राइम रोज, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा धूप की जरूरत नहीं होती है। इनको 2 से 3 घंटे की धूप भी इनके लिए बहुत ज़्यादा सफिशेंट होती है। लेकिन मैक्सिमम इन जर्नल जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट हैं वो धूप में सर्वाइव करते हैं। अब आप जैसे देख सकते हैं जो मेरा टावर है इस पर यहाँ पर 4 से 5 घंटे की धूप आती है। इस टाइम कुछ 2:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो अब धूप हट गई है यहाँ से, तो इसलिए ये यहाँ पर बहुत अच्छे से ब्लूम करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स को आप मैक्सिमम धूप प्रोवाइड करवाइए। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड ओवर वाटरिंग। ये खाली मैं विंटर प्लांट्स के लिए अगर कहूँ तो ये सारे ही प्लांट्स के लिए ये होता है कि हमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है किसी भी प्लांट में। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोज में कई बार बताया, लोगों को ये लगता है कि हम अगर प्लांट लाए हैं घर में तो बस इसे पानी देते रहिए और आपका प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। ऐसा नहीं होता। बहुत ज़्यादा पानी हमें अपने प्लांट्स को नहीं देना होता। एक बार को आपका प्लांट पानी की कमी झेल सकता है, लेकिन ओवर वाटरिंग को कभी नहीं झेलेगा, और यकीन मानिए आपका प्लांट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और स्पेशली विंटर्स में तो मैं वैसे भी आपको कहती हूँ कि कम से कम पानी दीजिए। जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया कि मैं वीक में सिर्फ 2 बार पानी दे रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे प्लांट्स बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने प्लांट्स में कम से कम पानी दीजिए, क्योंकि एक बार को पानी जब कम होगा तो प्लांट रुक सकता है, लेकिन अगर पानी ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली उसकी रूट रॉट हो जाएगी और वो डेफिनेटली ख़राब हो जाएगा। तो सेकेंड पॉइंट है स्टॉप ओवर वाटरिंग। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो जब भी हम अपने प्लांट्स में या फ्लावरिंग प्लांट्स में पानी देते हैं तो हमें इस जगह पानी देना है, यानी हमें अपने प्लांट के ऊपर पानी बिल्कुल नहीं देना है, और स्पेशली फ्लावर के ऊपर तो बिल्कुल नहीं देना है। और अगर हम देते भी हैं, अगर आपको ये लगता है कि आपकी लीव्स गंदी हो रही हैं और उसे वॉश करना है, तो ये काम आप हमेशा धूप में कीजिए, यानी सुबह के टाइम कीजिए, शाम के टाइम बिल्कुल ना ये काम करें। क्योंकि अगर पानी फ्लावर पर या लीव्स पर रह गया तो वो फंगस को अट्रैक्ट करेगा और आपका जो प्लांट है वो फंगल अटैक होकर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि मैक्सिमम टाइम हमें पानी नीचे मिट्टी में देना है, ना कि ऊपर फ्लावर्स पर और उसकी लीव्स पर, इससे आपका प्लांट डेफिनेटली ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि जब हम अपने प्लांट्स के लिए या विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए हम पॉटिंग मिक्स बनाते हैं, तो जो हमारा यूजुअल पॉटिंग मिक्स होता है उसके कंपैरिजन में हमें एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट का एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, क्योंकि ये हैवी फीडर प्लांट्स होते हैं, इन्हें फ्लावर्स बनाने के लिए हैवी फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा भी हर 10 दिन में हमें अपने प्लांट में लिक्विड फर्टिलाइजर देना होता है। मैं यूजली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ करती हूँ। वर्मी कंपोस्ट को पानी में घोल के रख दीजिए और उसे 10 दिन तक छोड़ दीजिए, एटलीस्ट 10 दिन तक। अगर आप 10 दिन तक नहीं छोड़ सकते तो कम से कम 3 से 4 दिन तो छोड़ ही दीजिए, और उसके बाद जब वो पानी रेडी हो जाएगा 10 दिन के बाद, तो उसको अच्छे से डिजोल्व करके और इसे 2:1 के रेशो में, मतलब उसमें उतना ही पानी और मिलाकर, और अपने सारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स में दीजिए। ये बहुत अच्छा वर्क करता है, जिससे आपका फ्लावर बहुत ज़्यादा ब्लूम करता है, क्योंकि ये इनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए फ्लावर बनाने के लिए, तो हमें थोड़ा खाना भी ज़्यादा देना पड़ेगा ना। तो इसलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें हमें हर 10 दिन में इन्हें लिक्विड फर्टिलाइजर ज़रूर दें। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो वो है डेड हेडिंग। अब आप लोग पूछेंगे डेड हेडिंग क्या है, तो उसके लिए मैंने कल ही एक शॉर्ट अपलोड किया है जिसमें मैंने आपको बताया कि डेड हेडिंग क्या है, लेकिन फिर भी आज मैं आपको इस वीडियो में एक बार फिर से बता देती हूँ कि डेड हेडिंग क्या होती है। एक्चुअली जब भी फ्लावर्स ब्लूम करते हैं तो एक टाइम के बाद ये स्पेंट हो जाते हैं,
तो हमें अपने जितने भी स्पेंट फ्लावर्स होते हैं ना उनको टाइमली रिमूव करते रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्लांट की एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। अगर हम उस फ्लावर्स को एज इट इज छोड़ देंगे तो हमारा प्लांट नए फ्लावर्स नहीं बनाएगा और धीरे धीरे करके हमारे प्लांट की एनर्जी सारी जो स्पेंट फ्लावर्स होते हैं वो कंज्यूम कर लेंगे। तो जो ये प्रोसेस होता है कि जब हम उसको स्पेंट फ्लावर को अपने प्लांट से निकालते हैं उसे डेड हेडिंग बोलते हैं। तो ये मैक्सिमम हमें अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स में करनी चाहिए ताकि हमारा जो प्लांट है वो लंबे टाइम तक हमारे साथ रहे और मैक्सिमम ब्लूम दे। तो ज़रूर करें अपने फ्लावर्स में डेड हेडिंग। तो सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्प्रे ऑफ फंगिसाइड। एक्चुअली जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स का जो टाइम होता है या विंटर टाइम जो होता है वो फंगस को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इस टाइम मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। और इसलिए मैं कहती हूँ कि शाम के टाइम कभी भी पानी मत दीजिए अपने प्लांट्स में, क्योंकि एक बार को जब हम दिन में पानी देते हैं तो अभी इतनी धूप है फिलहाल कि वो पानी जो एक्स्ट्रा पानी है जो लीव्स पे चला गया है जो फ्लावर्स पे चला गया है वो सूख जाएगा, लेकिन शाम को दिया हुआ पानी कभी भी नहीं सूखेगा और वो आपको प्लांट पे फंगस का अटैक ज़रूर करेगा। तो इसलिए हमें अपने प्लांट पे प्रिकॉशनली फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए, लेकिन अगर आप फंगिसाइड यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो रेगुलरली अपने प्लांट्स पर नीम ऑयल का स्प्रे तो ज़रूर कीजिए, जिससे आपका प्लांट फंगस अटैक से बचा रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट ज़रूर ध्यान रखिएगा, स्प्रे ऑफ फंगिसाइड्स। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स की केयर कर सकते हैं। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं DIY डेकोर या गार्डन रिलेटेड वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं यूजली शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे शॉर्ट्स को भी लाइक कीजिए। तो चलिए जल्द ही मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो और ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।